Open your लिटरेचर बुक्स पेज नंबर 11 पीटर ऑफ हार्लेम हार्लेम क्या है एक जगह का नाम है हॉलैंड में है और पीटर एक बहादुर लड़के का नाम है तो आज हम पढ़ेंगे पीटर ऑफ हार्लेम की कहानी जिसने कि अपने कंट्री हॉलैंड को फ्लड के से बचाया था On that bright spring day, a little boy whose name is said to have been Peter and whose father was a slicer had for his dinner some cakes. This is the boy. His name is Peter, and he had some cakes in his dinner. Cake उसको पापा उसका dinner के लिए लेकर आता है. उसका father क्या काम करता है? इसे slicer. Slicer कौन होते हैं? Slicer वो होते हैं जो पानी के control को कंट्रोल करने के लिए वाटर के फ़्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं वो स्लाइसर होते हैं उसका फादर एक स्लाइसर था यानी कि हॉलैंड जो है और ये एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ पानी है बहुत ही बड़े समुंदर हैं ओशन्स हैं तो हॉलैंड के ओशन्स के फ्लो बहुत ज़्यादा है हॉलैंड में वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है कि वो कभी भी लैंड में आ सकता है और उनके घरों को और वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वाटर जो है तो उसके फ्लो को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें सी बनाई हुई हैं ताकि समुंदर का पानी जो है वो अंदर ना आ सके तो वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनानी पड़ती हैं उनको तो उन दीवारों को का में फ़्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने का काम सुसरस करते हैं तो इसका फादर भी एक सुलाइसर है

वेरी काइंड टाइप ऑफ बॉय हीज़ नॉट एट ऑल सेल्फिश नॉट सेल्फिश अनकाइंड नॉट एट ऑल सेल्फिश हमेशा दूसरों का ही सोचता है ऐसा लड़का है एंड वैन एवर हीनी थिंग ही लाइक्ड हीज फर्स्ट था वॉज टू शेयर इट विद समल्स वैन एवर ही हैड एनी थिंग ही लाइक्ड जब उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो उसको बहुत पसंद है तो वो क्या सोचता है कि कोई सी और के साथ भी मैं शेयर करूँ ये मैं चीज़ किसी और को भी दूँ

विद द फीलिंग्स ऑफ पीटर पीटर वॉज वेरी थाटफुल वो दूसरों के बारे में कितना अच्छे विचार रखता है ऐसी बात पीटर के बारे में सोच के मदर बहुत खुश होती है एंड एटवान्स ब्रॉट बास्केट फिल्ड विद केक्स वो बास्केट ले आती है जिसमें कि बहुत सारे केक्स उस होते हैं टू कैरी टू द इनवैलिड इनवेलिड कौन होते हैं दोज हुआ नॉट एबल टू वॉक एबल टू गो अराउंड मूव अराउंड जो डिसेबल्ड से पर्सनस होते हैं उनके लिए वो केक लेकर जा रहा है बास्केट में डाल के मम्मा ने दे दिया हु ब्रॉट अ बास्केट फिल्ड विद केक्स मम्मा फॉर हुम फॉर द इनवेलिड पीपल हु वॉज गोइंग टू कैरी दैम पीटर वाइल पीटर्स फादर वॉज मेकिंग हिम प्रॉमिड नॉट टू स्टे आउट टू लेट और पीटर के पापा ने कहा देर नहीं करनी है नॉट टू स्टे आउट टू लेट पीटर के पापा ने बोला कि ज़्यादा देर नहीं करनी है जल्दी से जाकर देकर आ जाओ सून द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू हिज फ्रेंड्स हैप्पी इन द थॉट ऑफ द प्लेजर हिज प्रेजेंट वुड गिव द ब्लाइंड मैन वो सोचने लगा कि जो ब्लाइंड मैन है कितना उसको खुशी मिलेगी जब ये उसको केक देगा तो ऐसे सोचता हुआ वो चला जाता है द ओल्ड मैन वॉज डिलइटेड विद द केक्स ही वॉज वेरी हैप्पी

नाउ पीटर केम तो ही वॉन्टेड टू टॉक टू पीटर तो पीटर के साथ अपनी कहानी शेयर करने लग गया कि कैसे मैं किसी ज़माने में बहुत फेमस होता था एंड विच ही न्यू पीटर लव्ड टू हियर पीटर ऐसी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करता था बट पीटर सडनली रिमेंबर इज प्रॉमिस्ड नॉट टू स्टे आउट लेट उसके पापा ने कहा था ज़्यादा जा, देर नहीं करनी उसको ये बात याद आ गई एंड फाइनली बिकेम सो अनइजी दैट ही टोल्ड द ओल्ड मैन एट लास्ट उसको इतना ज़्यादा वो बहुत अनइजी हो गया कि जल्दी से घर जाने के लिए तो उसने ओल्ड मैन को फाइनली बताया कि ही मस्ट नॉट वेट टू हियर कि मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकता एंड तक क्योंकि मुझे जल्दी जाना है ही स्टिल बिडिंग हिम फेयरवेल वेरी क्विकली ही बेड हिम फेयरवेल एंड स्टार्टि टूवर्ड्स होम घर की तरफ चल पड़ा हिज पाथ ले बिसाइड द डाइक डाइक क्या है बच्चे डाइक जो वॉल्स हैं डाइक्स क्या हैं वॉल्स होती हैं जो कि पानी क्या फ्लो अंदर ना आ जाए लैंड में इसके लिए बनाई जाती हैं हॉलैंड में क्या बनाई जाती हैं डाइक डाइक्स बनाई जाती हैं दीवारें सी वॉल्स सी खड़ी कर देते हैं बड़ी बड़ी सी वॉल्स सॉलिड वॉल सो दैट द सी वाटर डज नॉट एंटर द लैंड उसके फ्लो को रोकने के लिए वाटर के फ्लो को रोकने के लिए उन्होंने डाइक बनाई होती है एंड जब वो उसका पाथ जो था वो डाइक के साथ साथ था डाइक उसका रास्ता घर का जो था उसके साथ साथ वो दीवार थी यानी कि समुंदर दूसरी तरफ था एंड अलोंग इट्स ग्रासी बैंक्स ग्रू ब्यूटिफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ मैनी वेराइटीज और जो किनारा था समुंदर का वहाँ पे बहुत ही वाइल्ड फ्लावर्स कई तरह के बहुत वेराइटीज़ के उगे हुए थे मैनी कॉलर्ड एंड मैनी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स वर ग्रोइंग बिसाइड द बैंक ऑफ द सी द फ्लावर्स वर सो अट्रैक्टिव दैट पीटर डिसाइडेड टू पिक ए बंच ऑफ़ दैम पीटर थाट कि मैं भी थोड़े से फूल तोड़ लेता हूँ टू कैरी होम टू हिज मदर सो दैट अपनी मम्मा के लिए मैं घर ले जाऊँगा फूलों को हु सो मच ऑफ एन इनवैलिड दैट शी रेयरली लेफ्ट द हाउस वो खुद ही अनएबल थी वॉक करने के शी वॉज इनवैलिड इनवैलिड होता है नॉट एबल टू वॉक वो बेचारी भी, भी कुछ इनवेलिड थी और वो कभी ही घर से कभी कभी ही निकलती थी तो इतने सुंदर फूल वो कहाँ देखेगी ला मैं मम्मा के लिए ले जाता हूँ सो ही पिक्ड अ फ्यू हेयर एंड अ फ्यू देयर ही पिकड द फ्लावर्स फ्रॉम हेयर एंड देयर ही पिक्ड अ फ्यू फ्लावर्स फॉर इज मदर हू पिक्ड पीटर For whom did he pick the flowers? For the mother. From where did he pick? He picked those flowers which were growing near the dike, near the grassy banks of the sea. Where were the flowers growing? Near the grassy banks of the sea. Blue, yellow, pink. Can you mention a few colors of the flowers? Yes, I can.

वो अकेला था इसलिए गाना गाने लग गया अपनी लोनलीनेस जो थी उसको भुलाने के लिए अकेलेपन को भुलाने के लिए वो गाना भी गाने लग गया इट वॉज नाइट टाइम चिल्ड्रन सडनली स्टॉप रुक जाता है क्या हो गया ना गाना गा रहा है ना मुस्कुरा रहा है एज ई लुकड एट अलेंडर थ्रेड ऑफ वॉटर ट्रिकलिंग थ्रू द उसने देखा पतला सा थिन थ्रेड ऑफ वॉटर थोड़ा छोटा सा जैसे पानी जो है वो घास पे अपना रास्ता बना रहा है वेयर डिड इट कम फ्रॉम इट मीन्स water फ्रॉम वेयर इज दैट water कमिंग श्योरली नॉट फ्रॉम द केनाल जो साथ में कैनाल है सी कैनाल है वहां से तो नहीं आ रहा एंड देयर वॉज नो वेयर एल्स फॉर इट टू कम फ्रॉम अनलेस इट केम फ्रॉम द डाइक इट सेल्फ ये पानी कहाँ से आ रहा है ये डाइक से ही आ रहा होगा कहीं से भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस वॉटर के आने की दिस वॉटर कैन कम फ्रॉम द डाइक दीवार में से ही पानी आ रहा है द थॉट वॉज इनाफ टू मेक इवन ए चाइल्ड टर्न पेल एंड ट्रेम्बल बिकॉज दिस वॉज वेरी हॉरिबल थिंग बिकॉज डाइक कुड ब्रेक इफ़ देर इज अ स्मॉल होल दीवार में छोटा सा होल हो जाता है तो प्रेशर बन जाता है पानी का तो वो होल बड़ा हो जाता है और वो दीवार को तोड़ सकता है तोड़ेगा तो पानी अंदर आ जाएगा तो बहुत सारे घर फ्लडेड हो जाएंगे लोग मर जाएंगे तो ये विचार बहुत ही ज़्यादा भयानक था तो बच्चा तक भी पेल हो जाएगा यू विल बी हॉरीफाइड ओनली डाइक्स टूड बिटवीन द बाउंडलेस सी एंड द सेफ्टी ऑफ लिटल हॉलैंड ये डाइक ही थी जो कि जिसके एक तरफ हॉलैंड है और दूसरी तरफ बाउंडलेस सी एंडलेस सी वास्ट सी देर इज ए सी विच इज एंडलेस वास्ट सी एंड दूसरी तरफ क्या है दीवार ने रोका हुआ है उस पानी को और दूसरी तरफ हॉलैंड की सेफ्टी है अगर ये डाइक टूट जाए तो हॉलैंड फ्लडेड हो जाएगा हॉलैंड विल बी फुल ऑफ वाटर पीपल विल डाई हाउसेस विल बी फ्लडेड ही लुक्ड अगेन एंड टू हिज इमेजिनेशन द स्ट्रीम सीम ग्रेटर ऑलरेडी वो स्ट्रीम जो थी पानी की धारा वो पहले ही ज्यादा हो रही थी उसने ऐसे सोचा वट कुड ही डू नाइट वॉज कमिंग ऑन द रोड वॉज अ सॉलिटरी वन इस सड़क पे कोई नहीं जाता सॉलिटरी क्या होता है लोनली ओल ए लोन दिस रोड वॉज दैट खाली रोड है देर वॉज ओनली दियस्ट चांस एनी वन पासिंग दैट वे बेरस्ट चांस मीन्स नो चांस कोई भी चांस नहीं है कि कोई इस रास्ते से गुजरे कभी होम ही कुड हेल और टू होम ही कूड आस्क एडवाइस जिसको वो कोई नहीं जिसको वो हेल करे मीन्स मिले और जिससे कि वो एडवाइस ले कि क्या करना है इस जो होल हो गया है जहाँ से पानी आ रहा है डाइक जो है वो लीकेज हो गई है तो व्हाट टू बी डन नाउ लीकेज वाज बिकमिंग बिगर देन केम ए क्विक रिकोलेक्शन ऑफ हिज प्रॉमिस टू हिज फादर फिर उसको विचार आया कि मैंने तो पापा को बोला था कि जल्दी वापस आना है एंड ही स्टार्टेड होम वर्ड अगेन घर की तरफ चल पड़ा बट अफ फोर्स एज माइटी एज ए जाइंट्स ग्रास्प जैसे एक जाइंट होता है वो आपको पकड़ लेता है ग्रास्प मीन्स वो आपको बहुत फोर्स के साथ कैप आपको होल्ड कर लेता है आपको जैसे कोई जाइंट आपको होल्ड कर लेता है बहुत जोर से इस तरह से एक फोर्स ने उसको जकड़ लिया फोर्स एक कोई फोर्स ने उसको जकड़ लिया कि घर नहीं जाना है इसको देखो पहले मेड हिम टर्न बैक कोई फोर्स ने उसको जकड़ लिया क्या कौन सी फोर्स थी वो ये थी कि घर वापस नहीं जाना है जिस क्योंकि कहीं ये ना हो कि वो घर वापस जाए और यहां पे होल बड़ा हो जाए और लोग मर जाए मेड हिम टर्न बैक अगेन टू वॉच दैट ट्रिकलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर वो देखना चाहता था वो जो पानी की धारा थी वो टिप टिप कर रही थी लीकेज जो थी ही वॉन्टेड टू सी दैट ही वॉज नियर वन ऑफ द ग्रेट ओकन स्लोसेज स्लोसिस क्या होते हैं ये गेट होते हैं ओक के बने हुए बड़ा सा गेट के पास वो आता है एंड बाउंडिंग अप बिसाइड इट ही केयरफुली एग्जामिन द डाइक उसने ध्यान से डाइक को देखा देअर एज स्मॉल एज इज फिंगर वॉज अ होल एक छोटा सा छेद है बहुत स्मॉल जितनी उसकी फिंगर थी एंड थ्रू दैट लिटल होल द वॉज फ्लोइंग द स्ट्रीम ऑफ वॉटर एट इज फीट वहां से पानी आ रहा था लाइक लाइटनिंग द फ्लैश ऑफ इंट्यूशन केम टू पीटर इंट्यूशन क्या होती है जो पहले ही कोई सोच लेता है उसको जैसे कोई बिजली की चमक होती है इस तरह से उसकी उसको इंट्यूशन हुई उसको एक फियर सा हुआ उसको एक एकदम से विचार आया इफ दैट होल वर नॉट प्लगड अगर इसको हमने ना प्लग किया इसको बंद नहीं किया इंस्टेंटली फटाफट द फोर्स ऑफ फ्लो थ्रू इट वुड रेपिडली इंक्रीज जो पानी की फोर्स है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी इट वुड क्विकली इंक्रीज फ्रॉम द पाउंडिंग ऑफ दैट माइ टी सी पाउंडिंग मीन्स प्रेशर जो समुन्दर का प्रेशर है पानी का वो जो है वो इस पर जा पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी इन ए नाइट द फ्लड वुड ब्रेक थ्रू द डाइक एंड परहैप्स डिस्ट्रॉय ऑल द होम्स इन हॉलैंड वॉट वॉज हिज इंटूशन हिज इंट्यूशन वॉज दैट दिस माइट बिकम बिगर एंड इट कुड फ्लड द Full of whole children. This is module one. We will be doing module two.